हेलो स्टूडेंट, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एलएलटीसी पंडवा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल सेट 2023 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को हम लोग पार्ट वन बना कर दिए हैं कुछ दिन पहले। आज हम लोग उसका पार्ट टू वीडियो को शूट करेंगे और आपको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और 21 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन हमारे अभिषेक जी बनाएंगे, कुछ हम बनाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अभिषेक जी को देते हैं और अभिषेक जी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे करना है। लीजिए सर। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक शर्मा। तो जैसे कि पार्ट वन वीडियो में हम लोग देखे थे कि 1 से 20 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट टू में ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखेंगे, उसमें 21 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे धीरज सर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा मेरा देखिए, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है 21। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन है मेरा डीएक्स अपॉन, यहां पे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए तो कुछ ना, तो डीएक्स के बगल में 1 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहां पे है कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू यहां पे हो जाएगा डीएक्स, क्लियर है। देखिए इसको हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो इसको सेपरेट करेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहां पे मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। और यहां पे हो जाएगा इंटू डीएक्स। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो क्या बचा मेरा जो फाइनली, वो मेरा बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और इंटू डीएक्स, क्लियर है। देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अब इंटू यहां पे हो जाएगा डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। यहां पर हो जाएगा टेन एक्स और माइनस यहां पर हो जाएगा cot x और प्लस यहां पे हो जाएगा c। देखिए ऑप्शन कौन है मेरा, tan x माइनस cot x प्लस c, ऑप्शन b इज राइट। ओके, चलिए यहां पे मेरा ऑप्शन जो होगा b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 क्वेश्चन नंबर। चलिए देखिए मेरा 22 क्वेश्चन है जस्ट उसी का जैसा है, बस इसमें कुछ साइन का चेंजिंग हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और नीचे यहां पे है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहां पे है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। चलिए इसको भी अलग अलग हम लोग उसी क्वेश्चन के जैसा सेपरेट कर देते हैं। यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस
स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू यहाँ पे हो जाएगा डीएक्स। क्लियर है? साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या बचा? वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन, देखिए जो इंटीग्रेशन है इसको अलग अलग भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए, अब मन नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, जैसे उस क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, यहाँ पे उतना नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा, तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इंटू पे यहां हो जाएगा टी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, यहां पे लिख देंगे टेन एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस एक ऑलरेडी पहले से है, यहां पे हो जाएगा प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। देखिए मेरा आंसर आ गया टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो जो मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज राइट, तो मेरा ऑप्शन ए है। ओके, ये मेरा ऑप्शन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन यह है मेरा इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। क्लियर? चलिए देखिए ये जो है इसको पहले हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू इसको वन लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, अब प्लस यहां पे टू ए, ए की जगह पर मेरा एक्स है, बी की जगह पर वन है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा प्लस टू। ठीक है, और इंटीग्रेशन इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा माइनस वन और प्लस टू। तो माइनस वन और प्लस टू कीजिएगा तो वन हो जाएगा मेरा, यहां पे आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन यहां पे हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा प्लस वन, और तो वन है तो वन का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे स्पेशल इंटीग्रेशन में कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इसका हो जाएगा ए का वैल्यू इसमें वन है, तो वन वन बाई ए लिखेंगे तो उसका वैल्यू वन, तो डायरेक्ट इसका हम लिख दे रहे हैं आंसर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ वन प्लस यहाँ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ कुछ ना वन, यहाँ वन बाई ए होता है तो वन बाई वन इक्वल टू वन, यहाँ पे हो जाएगा मेरा जो आंसर यहाँ टेन इनवर्स वन प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए मेरा जो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, ऑप्शन जो होगा मेरा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा है इंटीग्रेशन से ही है, इसमें लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो जो मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वन से लेकर के रूट थ्री तक लिमिट दिया है, और डीएक्स अपॉन यहां पे है वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जस्ट अभी हम एक वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन पे जस्ट टूटेगा, तो
इसमें वैसे भी इसको हम एक बेसिक फॉर्मूला में भी लिखवाए थे कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स। तो इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एक्स से है, ठीक है। तो चलिए इसका लिमिट पुट कर देते हैं, वन से लेकर के यहाँ है रूट थ्री। चलिए लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा वन, ठीक है। टेन इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू होता है पाई बाय थ्री, ओके। और इसका वैल्यू होता है पाई बाय फोर, और इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम लीजिएगा तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 बाय पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मेरा पाई बाय 12, ओके। चलिए इसका आंसर मेरा कौन हो गया, ऑप्शन डी इज राइट, इसका मेरा जो ऑप्शन होगा डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखिए इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, मेरा जो इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई यहाँ पे है डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स और प्लस यहाँ पे है वाई इक्वल टू जीरो, ओके। ये मेरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें बोला है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ होता है। ये देखिए तो इक्वेशन में कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, जो इक्वेशन जो कर्व का जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा जो इसका मेन, ठीक है, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, तो दो बार डिफरेंशिएट हुआ। इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर होता है सॉरी, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा टू, ओके। इसका मेरा आंसर नंबर, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन दिया है मेरा, ठीक है, इक्वेशन जो है मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, और इसका पावर यहाँ पे थ्री है और प्लस है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका पावर है क्यू और प्लस यहाँ पे है साइन, ठीक है, और यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे वन इक्वल टू जीरो, ओके। इसका पूछ रहा है डिग्री, देखिए हम आप लोग एक चीज बताया थे कंडीशन में, अगर कोई भी कंपोजिट फंक्शन, मतलब कि जैसे एक देखिए साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप में क्या होता है कि डिग्री अनडिफाइंड होता है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए पॉलिनोमियल टाइप से आता है, मतलब हम लिखवाए थे आप लोग के जैसे पढ़ा रहे थे तो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल टाइप से देखना चाहिए। तो देखिए जब इसका एक्सपेंशन करेंगे ना तो बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिग्री अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो मतलब क्या अनडिफाइंड कहते मतलब कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, या जैसे लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाता तो भी अनडिफाइंड हो जाता, क्लियर है क्या। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ओके। तो इसमें मेरा जो है इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन कहने का देखिए ये जो मेरा अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये मतलब पूछ रहा है कि इसका जो इक्वेशन होगा, मतलब क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन होता है, ठीक है, और तो उसका इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, चलिए इसको हम देखते हैं। ये जो मेरा है ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है ई टू दी पावर एक्स,
ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, y को y के साथ करना रहता है और dx को मतलब कि x वेरिएबल के साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा dy, और इसको उधर भेज दीजिए e टू दी पावर x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ता है जब हम लोग को कर्व का इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल फॉर्म से जब उसको कार्टेशियन वगैरह फॉर्म में चेंज करते हैं स्टैचू, तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो मेरा मिलता है y। जैसे देखिए ये दोनों क्या होता है, जब इक्वेशन कार्टेशियन से जब उधर जाइएगा डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन करना रहता है, जब डिफरेंशियल फॉर्म से इधर आना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वाई, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। देखिए तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे जो मेरा ऑप्शन मैच करेगा वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इफ वेक्टर ए, सर हेलो सर, चलिए अब क्वेश्चन आप कुछ बना लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आप सर से देख लीजिए दो चार क्वेश्चन जो भी है, बाकी सर इधर देख लेंगे क्वेश्चन। यस सर, चलिए थैंक यू अभिषेक जी, वेलकम सर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ से वेक्टर का क्वेश्चन आ गया तो बाकी क्वेश्चन अभिषेक जी देखें, इसके बाद फिर अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्वेश्चन हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे ट्वेंटी नाइन नंबर जो क्वेश्चन है आपका वेक्टर से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। तो पहले इस वेक्टर को हम ऐड करेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप और ये माइनस 5k कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहां हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 25 रूट अंडर 50, 5 अंडर रूट 2, और 5 अंडर रूट 2 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, इसके बाद जो है अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे, और जो आपको मॉडल सेट दिया जा रहा है 250 क्वेश्चन का, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन लेकर आएंगे, उसको भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इस सॉल्यूशन को आप देखिए। चलिए बात किया जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर। तो 29 नंबर हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है देखा जाए, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर जो क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड दैट। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैफ प्लस 3 जे कैफ प्लस के कैफ, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैफ माइनस 3 जे कैफ प्लस 6 के कैफ।
ये निकालना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसके लिए हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 - 9 + 6 भाई, इसका b का अंडर रूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 में से 9 गया -1, ये आ जाएगा रूट अंडर 4 + 9 + 36 -1/7। -1/7 आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है ना, -7 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31। जो क्वेश्चन नंबर है अब यहां पे जो दिया हुआ है, जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 5, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तो ये एक फॉर्मूला है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसको याद करना पड़ेगा। अब इतना बराबर 5 का स्क्वायर प्लस इसका निकालना है 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका 4 का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 25 हो गया। और यहां से 25 अप टू 50 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस होगा तो 25 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी ये है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस दैट है ना, तो ये जो क्वेश्चन है लाइन है एक 1 - 1, 1 और एक है 1, 1 - 1, एक जगह क्वेश्चन में एरर है, यहां ए और ये बी है मान लेते हैं, तो अगर हमको ए बी निकालना है तो x2 - x1 करते हैं, x2 यहां भी माइनस होना चाहिए, x2 - x1 करते हैं, तो जब हम x2 - x1 करेंगे तो 1 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, इससे इसको माइनस करेंगे
एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये भी आ जाएगा टू, और इससे जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू। तो कहीं ना कहीं हल्का सा एरर है, इसको क्लियर करते हैं। ऐसा है कि यहां आपका माइनस नहीं होगा, दो पॉइंट दे रखा है, वन माइनस वन वन, और एक पॉइंट है माइनस वन वन, और यहां माइनस वन दिया है, यहां हम वन रखते हैं, यहां करते हैं माइनस वन। तो देखना होगा क्योंकि इस पॉइंट पे अगर बनाया जाए तो थोड़ा सा आंसर एरर हो जाएगा, वन माइनस वन वन और वन वन माइनस वन। पहले हम इसका क्या है डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, पॉइंट दिया है तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो अगर हम यहां माइनस देते हैं तो, और यहां प्लस कर देते हैं, यही एरर था। तो हम जब ए बी है तो जब हम ए बी निकालेंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे तो ये टू बन जाएगा, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो टू बन जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा, ठीक है ना, जीरो बन जाएगा। और हमको ये डायरेक्शन रेशियो आया, लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन इस क्वेश्चन के लिए अब हम डायरेक्शन कोसाइन पर बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन पर बात किया जाएगा। तो वन माइनस माइनस वन करेंगे तो टू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हमारा आ जाएगा अंडर रूट, इसको करेंगे डायरेक्ट बराबर है टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस जीरो, तो अंडर रूट एट, तो टू रूट टू। तो डायरेक्शन को साइंस जब हम लिखेंगे तो टू बाई टू रूट टू कॉमा टू बाई टू रूट टू कॉमा जीरो बाई टू रूट टू, तो ये से ही कैंसिल होगा तो आ जाएगा वन बाई रूट टू, इससे ही कैंसिल होगा तो वन बाई रूट टू, अभी जीरो। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में, यहाँ भी शायद माइनस नहीं होगा तभी यह राइट होगा, ठीक है। तो इसको देख लेना है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 जो क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, तो हमको वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। सपोज मेरा एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो y एक्सिस, ये इस एक्सिस पे हमारा x और z जीरो हो जाएगा, y एक्सिस का यही इक्वेशन है, y एक्सिस पर x और z जीरो, तो x और z जीरो कहाँ है, x और z जीरो, b ऑप्शन, राइट आंसर क्या होगा, b। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए, 35 नंबर, 35 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, अच्छा ये ओरिजिन है सपोज 0 0, पी पॉइंट है, तो इससे हमको किसी प्लेन का डिस्टेंस पता करना है। सपोज ये प्लेन, इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये सपोज x1 y1 हो गया और ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, तो फार्मूला होता है ax प्लस by। तो यहां से हम क्या करते हैं, ax1 टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस by1 माइनस 3 मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी, तो जब सी करेंगे तब 14 हो जाएगा, कम आउट डिस्टेंस निकालना है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर में 14 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, टू टू जा फोर थ्री, टू टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन,
है ना, यही मेरा दिया हुआ भी है। तो ऐसा है, एक छूट गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स, ए एक्स प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, प्लेन का इक्वेशन। तो यहां से एक पॉइंट को हम छोड़ दिए, प्लस सी जेड प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारा ये पॉइंट हमारा 3D में है, तो तीन वो एक्स वन वाई वन जेड वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई टू प्लस सी, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई जीरो प्लस 14, ये इस जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई प्लस यहाँ क्या होगा जी, 6 का भी स्क्वायर होगा ना, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 14 बाई अंडर रूट 36 और 440 49, तो 14 बाई 7 2 यूनिट आंसर बना, 2 यूनिट्स, और ऑप्शन भी है ए ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना, ए इज द राइट आंसर। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखा जाए 36 नंबर क्वेश्चन को। थर्टी सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर का जब सॉल्यूशन करेंगे, तो इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे ही कट जाएगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अगर मान लीजिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका है निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा जाएगा, जो कि इतना बराबर ये हम ले आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल आउट वन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच हैज बीन अकर ऑफ बी इज इक्वल टू वन। तो क्या ऐसा रिलेशन है, हाँ फर्स्ट, तो जब फर्स्ट ही में मिल गया तो बाकी बस सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ही में मिल गया तो बाकी को सोचने, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो चार में से तीन को जरूर गलत है, एक वो सही होगा, तो यह राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि ए हो चुका है 0.6, तो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी छह बिना कर ऑफ बी पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो अगर ये जो चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि ए हो चुका है, तो कैन बी राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज गिवेन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच हैज बीन अकर ऑफ ए 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी बी गिवेन 0.4, देन मल्टीप्लाई एंड द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.24 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए विच हैज बीन अकर ऑफ बी कैन बी राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन दैट 0. एंड टू फाइंड एट 24 आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8, दैट मींस इतना, और इसको ऐसे लिखेंगे और ये आ जाएगा ये, तो हमारा जो राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन भी नहीं है, हाँ राइट आंसर होगा 3/10, दैट मींस कैन बी राइट एज 0.3, तो 0.3 का ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच हैज बीन अकर ऑफ बी, है ना, तो इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 38 नंबर क्या है,
अडाइस इज थ्रोन सिक्स टाइम्स, एक डाइस को छह बार फेंका गया। ऑपरेटिंग एन इवेन नंबर इज अ सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव सक्सेस। ये बर्नौली ट्राइल्स का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो अगर मान लिया जाए कि एक डाइस को छह बार फेंका गया तो सिक्स ट्रायल्स हो गया, ये सिक्स ट्रायल हो गया। तो अ डाइस थ्रोन सिक्स टाइम्स, छह बार फेंका गया ऑफ गेटिंग एन इवेन नंबर इन सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव सक्सेस, है ना। तो पांच बार सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी इसको निकालना है कि क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एनसीआर, है ना, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर एंड वाई टू दी पावर आर। तो ये एक्स वाई क्या है, तो एक बार सक्सेस होने, अब एक बार सक्सेस अनसक्सेस, ठीक है। तो आपको यूज कितना किया गया, तो सिक्स टाइम्स, है ना। तो सिक्स सी फाइव, और मान लिया जाए कि आपसे क्या पूछ रहा है, तो एंड द इवेन नंबर। तो इवेन नंबर होने का प्रायोरिटी क्या है, तो एक डाइस को फेंका जाएगा तो दो चार छह, यही इवेन नंबर। इसका प्रायोरिटी क्या आएगा, थ्री बाई सिक्स वन बाई टू। तो इंटू वन बाई टू टू दी पावर सिक्स माइनस फाइव एंड वन टू वन बाई टू टू दी पावर, जितना बार आया फाइव ट्रायल्स, तो फाइव सक्सेस, है ना। वो आर हो गया कितना बार सक्सेस हो रहा है, और ये कितना टाइम्स हो रहा है, ये एन हो गया। अब एन सी फाइव का वैल्यू हमारा क्या होता है जी, तो एन सी फाइव का वैल्यू होता है एन मतलब सिक्स। इसको जब सोल्व करेंगे तो वन बाई टू का पावर एक और वन बाई टू के पावर फाइव, डेट मीन्स सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई टू के पावर फाइव, डेट मीन्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन होगा, सिक्स सी फाइव। सिक्स सी फाइव का वैल्यू सिक्स, वन बाई टू टू दी पावर सिक्स। तो इसको हम लिखेंगे फाइव वन, सॉरी यहाँ सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई फाइव के पावर वन बाई टू के पावर फाइव। तो ये आराम से काट लीजिए, और आंसर मिलाना जरूरी है, ठीक है ना। अब तीन, अब एक बटा दो के पावर पांच, तो एक के पावर पूछो तो एक, अब दो के पावर पांच माने बत्तीस, तीन बटा बत्तीस, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा, तीन बटा बत्तीस। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही जाएगा, वैसे नहीं बुझाएगा तो छः गुने एक बटा दो लिखे चल जाना छः बार, ठीक है, ना बुझाए वाला खातिर दवाई है। तो वन बाई टू छः बार लिखा गया, ये सी है कोई सटा तो तीन बार में काटा, अभी यहाँ धर के इतना पूरा गुना कर देना है, तो तीन बटा बत्तीस ही आएगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नाइन नंबर, थर्टी नाइन नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, अ चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ टू डाइस। और डबलेट सिंगल डाइस पर नहीं आता है, जब भी आएगा तो दो डाइस तीन डाइस पे, तो दो डाइस इसको नहीं भी लिखता, तो डबलेट मतलब दो को फेंकाएगा तभी होगा। तो एनएस हमारा क्या होगा दो डाइस के लिए, थर्टी सिक्स। और डबलेट का अर्थ हो गया नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इवेंट ई निकाल देते हैं, तो इवेंट ई हमारा क्या होगा, इवेंट फाइंड करते हैं, तो वन वन इसको डबलेट बोलते हैं, टू टू। ऐसा दो डाइस फेंकने के बाद हमको पॉसिबिलिटी मिलेंगे फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स। अब इनके नंबर क्या है भाई, तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इसी का पूछा है, तो एन ई बाई एन एस, तो 6 बाई थर्टी सिक्स इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या होगा, बी, है ना। तो ये डबलेट का कहानी पर क्वेश्चन था, जब भी हमारा डबलेट वाला क्वेश्चन आए तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, फोर्टी नंबर क्वेश्चन, फोर्टी क्वेश्चन जो है हमारा, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू वन बाई फोर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वन बाई फाइव, ठीक है, वन बाई फाइव। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, सब बना बनाया है, बस खाना है खाली, इसमें कुछ परिवर्तन हमने है कि फॉर्मूला पते है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/5, अब बी भी दिया है 1/4, है ना, ऊपर जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 4/1 मतलब 4/5, तो 4/5 कहीं ना कहीं होगा डी ऑप्शन, है ना, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ना, सॉरी स्टूडेंट, जैसे कि हम क्वेश्चन 40 तक देखे बट डबल टच होने का मतलब मिस कर सकते हैं, 24 क्वेश्चन हम लोग नहीं देख पाए हैं, ठीक है, जैसे डबल बार टच हो गया था तो 23 के बाद डायरेक्ट 25 क्वेश्चन हो गया था, चलिए हम 24 को देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यही जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, वैसे तो 40 क्वेश्चन को रहना चाहिए था लास्ट बट क्या करें छूट गया, ठीक है, तो इसको हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से ही है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से है, ठीक है, ये भी इसको चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं, एक्स इंटू यहां पे है डीएक्स, ओके, और यहाँ पे है एक्स माइनस वन, यहाँ पे है एक्स माइनस टू, चलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग बनाना सीखे हैं, ठीक है, जैसे कि 1/x - a, एक्स माइनस बी रहता था तो a by x माइनस ए और प्लस b by x माइनस करके तोड़ते थे हम लोग, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन यहाँ एक्स माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन और प्लस b अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू, ओके, तो चलिए इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन x माइनस टू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a इंटू x माइनस टू हो जाएगा और प्लस b इंटू यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू, ठीक है, चलिए इसको से इसको कैंसिल कर दीजिए नीचे, ठीक है, और क्या बचा जो मेरा फाइनल होगा, यहाँ पे है x इक्वल टू a और यहाँ पे x माइनस टू और प्लस यहाँ पे b इंटू यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन, देखिए a और b का वैल्यू हम लोग जनरली फाइंड करना होता है क्या, तो a और b का वैल्यू हम लोग पुट करके फाइंड करेंगे, चलिए हम पहले पुट कर लेते हैं इसमें x इक्वल टू, हम यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, जब इस इक्वेशन में x इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो ये जो मेरा वैल्यू है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ 2 इक्वल टू और यहाँ पुट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2 माइनस वन, यानी कि b का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2, ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे, हाँ b का वैल्यू मेरा यहाँ पे आया 2, चलिए अब क्या करते हैं फिर हम लोग पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं नेक्स्ट में, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू अब की बार 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ पुट x इक्वल टू 1, जब x को हम 1 पुट किए तब की मेरा क्या हो जाएगा, a वाला मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और a टर्म मेरा बचेगा, ठीक है, तो इसमें 1 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस टू यानी कि माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो मेरा यहाँ पे x इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं 1, इस इक्वेशन में रखिए x की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे a इंटू मीन्स कि यहाँ 1 माइनस टू, ठीक है, ये टर्म जो b वाला टर्म हो गया मेरा 0 हो गया, a का वैल्यू आया यहाँ पे माइनस 1,
ठीक है। तो चलिए ए और बी का जो वैल्यू आ गया, फिर हम लोग यहां पे पुट करते हैं। चलिए यहां पुट कर लेते हैं। चलिए तो मेरा जो इंटीग्रेशन आया, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस वन, यहां पे हो जाएगा माइनस वन अपॉन यहाँ एक्स माइनस वन, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है, इंटू यहाँ पे डीएक्स, ठीक है। तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस वन, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस, ठीक है, सी हो जाएगा। तो देखिए तो इसको हम इधर log के प्रॉपर्टी से इसको हम x माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस टू का होल स्क्वायर, अब u जो माइनस है इसको इधर ला लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस वन, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा c। क्लियर है क्या? देखिए इसको log के प्रॉपर्टी से log m माइनस, जो अब log n होता है तो इसको log m बाई n लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम log m by n यानी कि log के प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा x माइनस वन, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा c। तो मेरा देखिए तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर आया कौन सा, आंसर b इज राइट, ओके, ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो जाएगा b। चलिए यही जो मेरा क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, बाई मिस्टेक। चलिए इसी के साथ हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन के हम और धीरज सर मिल करके, तो सर कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, ओके, एंड कीजिए आप। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन को हम लोग खत्म किए, मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्लियर किए हम लोग, है ना। और इसके बाद जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है असाइनमेंट मैथ्स का दिया जा रहा है 250 क्वेश्चन जैक बोर्ड का गेस करके ऑब्जेक्टिव, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।